इस प्रतियोगिता की सुशांत मुकदमा जी के जन्मदिन पर रखी गई ये ट्रॉफी यानी बर्थडे ट्रॉफी 2018 आप सभी का हार्दिक स्वागत। और आज के दिन का पहला मुकाबला 40 प्लस ओला वर्सेस वाकबिल के बीच, वाकबिल ने टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया और अपनी ओर से पहली ओवर करने के लिए उनकी टीम की ओर से आ रहे हैं गेंदबाज गजानन। पहली गेंद बड़ा हिट लगाना चाह रहे थे बल्लेबाज, थोड़ा सा शफल होकर खेलने का प्रयास किया लेकिन बैट और बॉल की बिल्कुल मुलाकात नहीं, गेंद सुरक्षित कीपर के हाथों में टॉट के रूप में। इस टॉट के साथ अच्छा आगाज किया है, एक्शन काफी सुंदर है, बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन गजानन द्वारा अब तक के। इस बार थोड़ी सी लो फुल टॉस गेंद थी, कारपेट के सारे खेलने का प्रयास, गेंद जाती हुई वाइडिश मिड विकेट के क्षेत्र में, दो रन लेना चाहते हैं नजदीकी मामला और यहां पर दुर्घटना घट सकती थी, रनआउट के रूप में विकेट मिल सकता था लेकिन यहां पर गजानन के हाथों में गेंद नहीं समा पाई, दुर्घटना घटने के आसार हो सकते थे, एक रन के साथ जरूर यहां पर खाता जरूर खुलता हुआ। मानश्री विशाल जी भोईर सर और रमाकांत पाटिल सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आपको स्टेज की शोभा बढ़ानी है, आइए वेलकम, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत बर्थडे ट्रॉफी 2018 सुशांत मुकदम की ओर से इस टूर्नामेंट को सजाया गया है तो आपका हार्दिक स्वागत है, सुस्वागतम। अगली गेंद वाइड के रूप में गिरी, अतिरिक्त रनों में एक रन जरूर शुमार हुआ, स्कोर थोड़ा सा फेर बदल करता हुआ जा पहुंचा है दो रनों पर। अगली गेंद लेकर तैयार फिर से एक बार गजानन, इस बार गेंद हवा में, यहां पर थोड़ी सी चूक, डायरेक्ट हिट करने का प्रयास लेकिन नाकामयाबी मिलती हुई और यहां पर लगान पिक्चर का थोड़ा सा दृश्य नजर आता हुआ, कैच तो शायद मेरे ख्याल से ड्रॉप हुई हुई, साथ में जो दो रन गए हैं ये भारी पड़ सकते हैं, इन दो रनों के साथ स्कोर इस वक्त दर्शाता हुआ चार रनों पर। पहला ओवर प्रगति पथ पर है, पहले ओवर की पहली गेंद डॉट के रूप में रही और बिल्कुल इस मैच का आनंद आप YouTube के माध्यम से लाइव टेलीकास्ट आप देख सकते हैं, लाइव कवरेज जारी है। इसी बीच ये गेंद, इस बार बड़ा हिट लगाना चाह रहे थे, सफल होकर खेलने का प्रयास किया लेकिन बैट और बॉल की बिल्कुल मुलाकात नहीं, संपर्क नहीं हुआ, गेंद डॉट के रूप में, एक अच्छी वापसी के संकेत देते हुए फिर से एक बार गेंदबाज गजानन। राजेंद्र सामना करने के लिए तैयार, इस बार सफल होकर खेलने का प्रयास, गेंद आती हुई लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, वहां पर नंदू मौजूद, दो रनों की खोज जारी और यहां पर एक हाथ से गेंद को फील करने की चाहत लेकिन कामयाबी नहीं मिली, दो रन जरूर मिले, इस दो रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है छह रनों पर, एक गेंद अभी भी आना शेष, एक गेंद अभी भी आना बाकी। राजेंद्र सामना करने के लिए तैयार फिर से एक बार गजानन का, अंतिम और आखिरी गेंद इस ओवर की, इस बार कारपेट के सारे खेला गया स्ट्रोक, गेंद शॉर्ट मिड ऑन के क्षेत्र में, खुद कप्तान गणेश मौजूद, गेंद को जब तक के फील करते चहलकदमी करते हुए एक रन पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने और एक रन के साथ साथ ओवर की समाप्ति होती हुई, एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ सात रन बिना कोई विकेट गवाए पहले बल्लेबाजी करती हुई ओला स्पोर्ट्स की टीम का, एक ओवर सात रन एक अच्छी शुरुआत मानी जाएगी, एक अच्छा स्टार्ट माना जाएगा। MCCB वर्सेज शेंडुबा स्पोर्ट्स, दोनों ही टीम के कैप्टन्स, आपको आना है टॉस की प्रक्रिया पूरी करने के लिए तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको ताबड़तोड़ संपर्क साधना है कमेंट्री बॉक्स के माध्यम पर। शेंडुबा स्पोर्ट्स वर्सेज MCCB कैप्टन, आपको हमसे संपर्क साधना है टॉस की प्रक्रिया पूरी करने के लिए। चलते हैं दूसरा ओवर लेकर आए हैं गेंदबाज नंदू, इस गेंदबाज को हम कैसे भूल सकते हैं, अनुभव से भरपूर, एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस, परफेक्ट ऑलराउंडर, हाल ही में काफी बड़ी बड़ी प्रतियोगिता में एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस पिछले सीजन में किया है, ये सीजन इनका कैसा रहेगा ये देखने वाली बात जरूरी होगी क्योंकि 40 प्लस में कुछ ही वक्त में इन्होंने प्रवेश किया, कुछ कम समय हुआ है इन्हें 40 प्लस में खेलते हुए लेकिन अनुभव काफी ज्यादा है क्रिकेट का। इसी बीच ये गेंद नंदू की, ये गेंद इस बार मिस टाइमिंग स्ट्रोक, गेंद हवा में, तीन खिलाड़ी गेंद के नीचे लेकिन नंदू ने बहुत ही बढ़िया फॉलो थ्रो में कैच लिया, विकेट का बदम हुआ, पहला झटका जरूर लगता हुआ ओला स्पोर्ट्स की टीम को।
पहली सफलता अपने नाम की, पहली गेंद पर अपने अनुभव से परिचित कराया बल्लेबाज राजेंद्र को, और राजेंद्र शिकार बने और पहला विकेट यहां पर ओला स्पोर्ट्स का जरूर गिरा है। राजेंद्र की जगह लेने अब नए बल्लेबाज विकेटों के बीच में जा रहे हैं रमाकांत, रमाकांत और उनका साथ देते हुए ज्ञानेश्वर इस वक्त विकेटों के बीच में सलामी बल्लेबाज के रूप में आए हैं। दो गेंदों का सामना किया, एक रन जोड़ने में कामयाब रहे। दूसरा ओवर पावर प्ले का जारी है, तीन खिलाड़ी सर्कल के बाहर तैनात किए गए हैं। एक देख सकते हैं हम वाइड स्मिड विकेट लॉन्ग ऑन और एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, इस तरीके से फील्डिंग को सजाया गया है। इस बार बड़ा हिट लगाने की कोशिश, लेकिन खूबसूरत फील्डिंग का प्रदर्शन, बेहतरीन तरीके से गेंद को फील्ड करने की चाहत और रन आउट के रूप में विकेट का बटन। क्या बेहतरीन कीपिंग, बहुत ही खूबसूरत कीपिंग, सुंदर थ्रो और दूसरा झटका यहाँ पर लगता हुआ ओला स्पोर्ट्स की टीम को। रमाकांत अपना खाता भी नहीं खोल पाए, शून्य का चश्मा पहनकर गोल्डन डक पर आउट होकर पवेलियन की राह लौटते हुए। बड़ा झटका जरूर लगा है, एक बड़े झटके से उबरने के लिए अब कितना समय और लगता है ये देखने वाली बात जरूरी। बिल्कुल, दो गेंदों में दो विकेट, ओला स्पोर्ट्स थोड़ी सी दुविधा में इस वक्त रनों के लिए जूझती हुई। पांच ओवरों में टारगेट की अगर एक बात करें, अनुमान लगाया जाए तो 50 रनों के आसपास या फिर 45 रनों के आसपास एक लक्ष्य तैयार करती है ओला स्पोर्ट्स, तब जाकर यहां पर वाकबिल की टीम पर वो पलटवार कर सकती है। देखने वाली बात यह है कि अब कौन से नए बल्लेबाज को परफॉर्मेंस करने भेजा जाएगा। इस बार आगे बल्ले से खेलने का प्रयास, नयान मौजूद, कोई गलती नहीं, एक और झटका, झटके से झटके लगते हुए ओला स्पोर्ट्स की टीम को। गेंदबाज नंदू के आने के बाद मानो बल्लेबाज अपना खाता भी नहीं खोल पा रहे हैं। इस वक्त आउट होकर उत्तम पवेलियन की राह लौटते हुए अब उत्तम की कमी पूरी करने के लिए नए बल्लेबाज को भेजा गया है मिलिंद। बिल्कुल, नंदू की अगर बात करें तो नंदू ने बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन किया, तीन गेंदों में तीन विकेट जरूर लिए एक रनआउट के रूप में। इसी बीच नंदू की अगली गेंद थोड़ी सी लो फुल टॉस गेंद थी, कारपेट के सारे खेलने का प्रयास, गेंद लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, गणेश मनेरा वहां पर मौजूद, इस टीम के कप्तान, गेंद को फील्ड किया, एक रन से ज्यादा कुछ नहीं, काफी समय के बाद एक रन इस वक्त जुड़ता हुआ स्कोर कार्ड पर। नंदू फिर से एक बार सज्जे होते हुए 10 से 12 कदमों के रनअप के साथ गेंदबाजी करना पसंद करते हैं। इसी बीच ये गेंद, इस बार तेज तर्रार गेंद, जोरदार अपील, अपील में उत्साह ज्यादा और आत्मविश्वास की कमी जरूर देखने मिली, लेकिन एक रन लेग बाइस के रूप में जरूर मिलेगा और इस एक रन के साथ स्कोर आहिस्ते आहिस्ते आकार लेता हुआ 9 रनों पर जा पहुंचा है। एक गेंद अभी भी आना शेष, बहुत ही लाजवाब गेंदबाजी का प्रदर्शन नंदू द्वारा। इस बार चेंज ऑफ पेस, गति में फेरबदल, उसका शिकार हुए यहां पर ज्ञानेश्वर, बैट का मोटा किनारा लेकर गेंद कीपर के हाथों में, एक और झटका ओला स्पोर्ट्स की टीम को जरूर लगता हुआ। दो ओवर की समाप्ति, पावर प्ले का बंधन इस वक्त खत्म होता हुआ और दो ओवर में अब तक के ओला स्पोर्ट्स की टीम के बल्लेबाजों ने महज बनाए हैं, मात्र बनाए हैं 9 रन और विकेटें गंवाई हैं लगभग लगभग 4 विकेट यहां पर गवा चुकी है ओला स्पोर्ट्स की टीम। यानी जो अच्छे बल्लेबाज थे, बिग हिटर बल्लेबाज थे, मिडल ऑर्डर के बल्लेबाज थे, नंदू ने इस ओवर में वो कारनामा कर दिखाया, अपने नाम 3 विकेट जरूर की, एक रनआउट के रूप में विकेट गिरी। अब क्या होगा, किस गेंदबाज के हाथ में गेंद सौंपी जाएगी, यस इस वक्त गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाली है। बिल्कुल, इस वक्त डॉक्टर को लाया गया है, यानी डॉक्टर डाकी। बिल्कुल, अब पावर प्ले का बंधन खुल चुका है, अब आप सिर्फ 2 खिलाड़ी सर्कल के अंदर तैनात कर सकते हैं और बाकी खिलाड़ी आप सर्कल के बाहर तैनात कर सकते हैं। सर्कल में सिर्फ आपको मात्र 2 खिलाड़ी तैनात करने हैं, ये चीज ध्यान में रखें, 2 से ज्यादा भी कर सकते हैं लेकिन आप 2 करें तो आपको शायद फील्डिंग में सहयोग मिले, सपोर्ट मिले, 2 खिलाड़ी कंपलसरी आपको सर्कल के अंदर रखने हैं। डॉक्टर डाकी लंबे रनअप के साथ राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी, राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए सज्ज होते हुए
सामना करने के लिए तैयार है बल्लेबाज मिलिंद, उनका साथ देते हुए दीपक नॉन स्ट्राइक हैंड पर। पावर प्ले का बंधन छूट चुका है, टीम में फील्डिंग तैनात। इसी बीच ये गेंद, शॉर्ट पिच गेंद थी, पुल करने का प्रयास था, गेंद आती हुई शॉर्ट कवर्स के क्षेत्र में, वहां पर खिलाड़ी तैनात थे। जब तक कि गेंद को फील्ड करते एक रन जरूर पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। सूझबूझ के साथ इस वक्त बल्लेबाजी करनी होगी ओला स्पोर्ट्स की टीम को, क्योंकि इस वक्त रनों की काफी ज्यादा जरूरत है। और वाकबिल की अगर बात करें तो वाकबिल के पास विस्फोटक बल्लेबाज मौजूद है। इस बार लो फुल टॉस गेंद थी, पुल किया, गेंद हवा में, न्यान मौजूद, खूबसूरत कैच, विकेट का बताएं, बड़ा झटका जरूर लगता हो। बिल्कुल, यहां पर विकेट का बदम हुआ, फुल टॉस गेंद पर विकेट गंवाना एक बड़ी दुर्घटना मानी जाती है। और इस वक्त में विकेट गंवाना, जिस वक्त आपके चार बल्लेबाज आउट हो चुके हैं, लॉलीपॉप गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर क्लिक करना था, लेकिन पुल किया, पावरफुल किया, लेकिन ताकत की थोड़ी सी कमी रही। न्यान ने कोई गलती नहीं की, कोई चूक नहीं की, और एक खूबसूरत कैच जरूर लगता। शेंडोवा स्पोर्ट्स कैप्टन और एमसीसीबी कैप्टन, आपको टॉस के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। इस बीच ये गेंद, इस बार करारा प्रहार, गेंद हवा में, और यहां पर गणेश मौजूद, सेफ हैंड कैच जिन्हें कहा जाता है। बिल्कुल, गणेश ने उस तरीके का कैच लिया, एक और झटका ओला टीम को लगता हुआ। बॉबी, अगर आप यहां पर उपस्थित हो चुके हैं तो आइए, फाइनेंस मिनिस्टर, आपकी कमी यहां पर फैल रही है। एमसीसी के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बॉबी आपको स्टेज पर आना है। किरण तंद्रे सर, आप भी आइए। किरण तंद्रे सर, आपका सहयोग हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तो किरण सर आइए प्लीज स्टेज पर। बड्डे ट्रॉफी 2018 सुशान मुकदम साहब की ओर से रखा गया ये एक बेहतरीन आयोजन और नियोजन, आप सभी का हार्दिक स्वागत। इस बार क्लासिकल स्ट्रोक, ब्यूटीफुल स्ट्रोक पॉइंट के क्षेत्र में खेला गया है। दो रनों के लिए विकेटों के बीच में दौड़ लगती हुई, कामयाबी बल्लेबाजों के कदम चूमती हुई, और इस दो रन के साथ स्कोर दो आंकड़ों में दर्शाता हुआ 12 रन। विकेटों की अगर बात करें तो 6 विकेटों के नुकसान के बाद पहले बल्लेबाजी करती हुई ओला स्पोर्ट्स की टीम। डॉक्टर टाकी दो विकेट अपने नाम कर चुके हैं, अच्छी गेंदबाजी के लय में नजर आ रहे हैं। दो गेंदे अभी भी आना शेष है, सामना करने के लिए तैयार पूरी तरीके से बल्लेबाज काल। इस बार गेंद हवा में रही, लेकिन नो मैन लैंड पे गेंद गिरती हुई, कवर्स से जब तक के गेंद को फील्ड किया जाता, दो रन दौड़कर पूरे किए, दो रन से ही संतुष्ट, दो रन से ज्यादा कुछ नहीं। इसे कहा जाता है चतुराई भरी बल्लेबाजी, जिस वक्त बड़े स्ट्रोक ना लगे तो रनों की रन संख्या को किस तरीके से बढ़ाना है, यानी सिंगल डबल खेलकर। इसी तरीके का रणनीति के अनुसार ओला स्पोर्ट्स के बल्लेबाज विशाल और प्रफुल्ल परफॉर्मेंस इस वक्त करते हुए। डॉक्टर डाकी की अगली गेंद, इस बार मिस टाइमिंग स्ट्रोक, गेंद हवा में, कीपर गेंद के नीचे, कोई गलती नहीं, कोई चूक नहीं, डॉक्टर डाकी ने अपना असर दिखाया, उनकी दवा का असर नहीं बल्कि उनकी गेंदबाजी का असर जरूर देखने मिला। एक और विकेट अपने नाम की, इस ओवर में डॉक्टर डाकी ने 3 विकेट लेकर मात्र खर्च किए सिर्फ और सिर्फ 5 रन और 3 सफलता अपने नाम की, विकेट नंबर गिरता हुआ 7। अब नए बल्लेबाज जरूर जाएंगे ग्राउंड के अंदर, गेंदबाजी राम ठाकुर और गेंदबाजी का जिम्मा संभाला है तानाजी पाटिल, सबसे अनुभवी खिलाड़ी, अनुभव से भरपूर, काफी बेहतरीन खिलाड़ी हैं, हट्टे कट्टे शरीर के हैं, हैवीवेट चैंपियन है, काफी नाम रोशन किया है इन्होंने वाकबिल गांव का, हैवीवेट चैंपियन में पार्टिसिपेट करते हैं, महाराष्ट्र की ओर से, स्टेट की ओर से परफॉर्मेंस करते हैं इस वक्त अपनी टीम के लिए गेंदबाजी करते हुए।
इस बीच ये गेंद, इस बार फुल लेंथ गेंद थी, लॉकल में डाली गई गेंद थी, बेहतरीन तरीके से गेंद को खेला गया और खूबसूरत फील्डिंग का प्रदर्शन कवर्स के क्षेत्र में जरूर देखने मिला। एक रन के साथ इस वक्त स्कोर दर्शाता हुआ 15 रन। चौथा ओवर प्रगति पथ पर जारी है, रनों के लिए जूझते हुए ओला स्पोर्ट्स के बल्लेबाज राम सामना करने के लिए तैयार। इस बार गेंद जाती हुई डिक्लेयर जोन की ओर, वहां पर दौड़कर एक रन लेना है। ब्लैक पर्दे पर अगर गेंद लगती है तो आपको दौड़कर रन लेना है, तो बिल्कुल उसी तरीके का दृश्य में देखने मिला। राम ने एक रन पूरा किया और इस वक्त मौका दिया है प्रफुल्ल को। प्रफुल्ल की अगर बात करें तो प्रफुल्ल इस वक्त निजी एक रन पर खेल रहे हैं और एक रन से ही अब तक के संतुष्ट हैं। इस वक्त बड़े हिट लगाने जरूरी होंगे क्योंकि रनों की रन संख्या काफी कम है। इस बीच ये गेंद, इस बार कारपेट के सारे खेलने का प्रयास, लेकिन नॉन स्ट्राइक हैंड के बल्लेबाज के शरीर पर गेंद लगती हुई, शॉर्ट कवर पर गेंद को फील्ड किया गया। एक रन से ज्यादा कुछ नहीं। MCCB और शेंडोबा स्पोर्ट्स कैप्टन, आपको टॉस के लिए इनिंग की समाप्ति के बाद हमारे कमेंट्री बॉक्स में रहना जरूरी। अगली गेंद तानाजी पाटिल, इस बार मिस टाइमिंग्स को गेंद हवा में है, लेकिन नो मैन्स लैंड पे गेंद गिरती हुई, 2 रनों के लिए दौड़ लगी और कामयाबी जरूर मिलती हुई बल्लेबाजों को। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, अच्छा तालमेल, अच्छा कॉम्बिनेशन इस वक्त दोनों ही बल्लेबाजों के माध्यम से देखने मिला और इस 2 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 19 रनों पर। 19 रन चौथा ओवर प्रगति पथ पर है। तानाजी पाटिल की अगर बात करें तो महज 5 रन खर्च किए हैं 4 गेंदों में, विकेट अब तक के एक भी हासिल नहीं किया। इस बीच ये गेंद, इस बार बड़ा हिट करने का प्रयास और ये खूबसूरत कैच, क्या बात है। कवर्स के क्षेत्र में, शॉर्ट कवर्स के क्षेत्र में गेंद को जाकर फील्ड किया और तानाजी पाटिल के हिस्से में आती हुई एक विकेट और ओला स्पोर्ट्स को लगता हुआ झटका नंबर 8। राम जैसे खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, अब राम की कमी पूरी करने के लिए नए बल्लेबाज को भेजा जा रहा है। राम के बाद आ गया है नंबर शाम का, राम के बाद शाम को भेजा गया है। राम और शाम ये दोनों ही भाई इस टीम में परफॉर्मेंस करते हैं। तानाजी पाटिल फिर से एक बार अपने बॉलिंग मार्क पर, इस बार बहुत ही बढ़िया गेंद थी, पॉइंट के क्षेत्र में खेला गया, स्ट्रोक खिलाड़ी मौजूद वहां पर। एक रन से ज्यादा कुछ नहीं। एक रन के साथ साथ ओवर की समाप्ति की घोषणा होती हुई, 4 ओवरों की समाप्ति के बाद ओला स्पोर्ट्स पहले बल्लेबाजी करती हुई जा पहुंची है 20 रनों पर। विकेटों की अगर बात करें तो 8 विकेटों के नुकसान के बाद अंतिम और आखिरी ओवर, इस ओवर में बल्लेबाज बड़े हिट लगाने की जरूर जरूर कोशिश करेंगे। अंतिम और आखिरी ओवर सदानंद, अंतिम और आखिरी ओवर के स्पेशलिस्ट गेंदबाज माने जाने वाले गेंदबाज सदानंद, 8 विकेटे अब तक के जा चुकी है। लो फुल टॉस गेंद थी, खूबसूरत फील्डिंग, बेहतरीन फील्डिंग, एक रन से ज्यादा कुछ नहीं। गेंद लेकर तैयार फिर से एक बार गेंदबाज, पॉइंट के क्षेत्र में खेला गया स्ट्रोक, 1 रन जरूर मिलेगा, 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं। बिल्कुल आज की मैच की अगर बात करें तो फील्डिंग सबसे अच्छी देखने मिली नरेश पाटिल, क्या बात है। छोटा पैकेट बड़ा धमाका, नरेश पाटिल क्या फील्डिंग की है, लाजवाब। इस बार बड़ा स्ट्रोक करने का प्रयास, गेंद लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, कप्तान खुद गेंद को फील्ड करते हुए और ये वाइड थ्रो, काफी खराब थ्रो रहा, आना के इशारे, लेकिन 2 रन से ज्यादा कुछ नहीं।
ये छोटी छोटी गलतियां आगे जाकर बड़ा जख्म बनती हैं। ये चीज ध्यान में रखना जरूरी, क्योंकि अगर आप छोटी गलती करते हो और मैच है एक रन से हारते हो तो कितना बड़ा झटका लगता है, ये आपको जरूर है। आपने देखा होगा बहुत सी टीमों को। तो गलतियां कम करें और गेम पे ज्यादा ध्यान दें। शेंडुवा स्पोर्ट्स कैप्टन और एनसीसी बी कैप्टन, इस बार गेंद हवा में और ये 4 रन। ये पहला चौका है इस टूर्नामेंट का और ये चौका लगाने वाले बल्लेबाज हैं प्रफुल्ल। ये कैच हो सकती थी लेकिन सूरज से निगाहें मिलाकर कैच को पकड़ना एक खतरनाक सबक होता है, कठिनाई भरा सबक होता है। उस वक्त कैच छूटी और गणेश मनीरा के सर के ऊपर से गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ 4 रनों के लिए जरूर परिवर्तित होती हुई नजर आई। दो गेंदे अभी भी आना बाकी है। सदानंद गोंदले जो कि अंतिम और आखिरी ओवर लेकर आए हैं, इनकी दो गेंदे अभी भी आना शेष है, दो गेंदे इनकी अभी भी आना बाकी। इस बीच ये गेंद, इस बार बड़ा हिट लगाना चाह रहे थे, रेंज में भी गेंद नहीं आई, लेकिन थ्रो की अगर बात करें तो काफी लेट थ्रो करते हुए कीपर नजर आए। एक रन से ज्यादा कुछ नहीं, इस एक रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है इस वक्त 29 रनों पर। अंतिम और आखिरी गेंद सदानंद की आना शेष, सामना करने के लिए तैयार शाम। इसी बीच ये गेंद, इस बार आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास, गेंद जाती हुई वाइड स्मिड विकेट के क्षेत्र में, 2 रनों की खोज जरूर होगी और कामयाबी जरूर मिलती हुई 2 रन के लिए। बेहतरीन फील्डिंग का प्रदर्शन फिर से एक बार यहां पर नरेश पाटिल द्वारा देखने मिला, कवर बहुत ही बढ़िया तरीके से किया उन्होंने। तो इसी के साथ 5 ओवरों का कोटा समाप्त होता हुआ। 5 ओवरों की समाप्ति के बाद 40+ ओला स्पोर्ट्स की टीम ने बनाए हैं यहां पर 31 रन, 31, और जीत के लिए लक्ष्य रखा है 32 रनों का। तो क्या होगा क्या नहीं हम जरूर देखेंगे आने वाली इनिंग में, लेकिन उससे पहले चलते हैं यहां पर टॉस की प्रक्रिया पूरी करने के लिए।